Good evening everyone, welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. आई एम हेमा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द करेंट अफेयर्स बाई प्रथम राइट आई होप इससे पहले हमारे जितने भी वीडियोज हैं करंट अफेयर्स सेशन है राइट जो कि तीन दिन होते हैं हफ्ते में मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एट सिक्स पी एम आई होप आप सारे सेशन अभी तक देख चुके हो एंड इफ यू आर न्यू टू आर यूट्यूब चैनल वट यू कैन डू इज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस दी बेल आईकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोज और अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं आप प्रथम डेस्क प्रेप यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस में यू कैन फाइंड आउट वीडियोस एंड ये जो करंट अफेयर सीरीज है राइट ऑफ कवरिंग टू डेज और लास्ट थ्री डेज करंट अफेयर्स राइट इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो अभी तक हम जितने भी वीडियोज कर चुके हैं इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू कैन वॉच ऑल दीज यू नो वीडियोज टू कवर ओनली द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट टूडेज सेशन वी विल भी कवरिंग द करेंट अफेयर्स ऑफ लास्ट थ्री डेज एंड दीज थ्री डेज आर ट्वेल्थ थर्टींथ एंड फोर्टींथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी one and you all know that with these you know two three days current affairs videos we are also providing you the weekly recap sessions of current affairs right on Tuesday at 2 p.m then there are newspaper analysis session by beneath Bio vo uh, especially if you are preparing for law entrance exam and particularly if you are preparing for Clad. Then there are vocab vocabulary sessions, or you can say vocabulary sessions on every day at 9 pm by Ashi Sir and Shreya Ma'am. And there are other videos also. Too. To know about the upcoming videos, please press the uh, bell icon to get notification of all the upcoming videos. Now, another important information if you are preparing for law entrance exam, you can join our Telegram channel with the name CLAT at the rate Pratham to get. Information about the all upcoming entrance examination and to get you know content or study material for your day to day practice. And if you are preparing for management exam, you can join our telegram channel with the name IPM at the rate Pratham Pratham Test Prep. Hi, Manika, very good evening. Hi, Akash. Hi, Yash. Hi, Gaurav. Hi, Shreya. Yes, Sakshi, I'm good. bache how are you? Hi, Niharika. Very good evening to all of you. So, let's quickly start the current affairs of last three days. जिसमें हमारी पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राइट हाय ने हाय तान्या थैंक यू हाय तुषार सो इफ वी टॉक अबाउट आर फर्स्ट न्यूज़ जो आपको फर्स्ट न्यूज यहाँ पे दिख रही है इट इज अबाउट अ रैंकिंग विच इज ग्लोबल ई कॉमर्स इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी क्या है ग्लोबल ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 सो so जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है

क्या है बच्चे कौन रिलीज करता है एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड दूसरा पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है इंडियाज रैंक राइट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पर्टिकुलर रैंकिंग जिसकी की हम बात कर रहे हैं सो इंडियन इंडियाज रैंक और इंडियन रैंकिंग इन दिस इंडेक्स इज सेवेंटी यू कैन इट इन दिस पॉइंट दैट इंडियाज रैंक इज सेवेंटी फर्स्ट इन द रैंकिंग एंड इफ यू टॉक ये तो ग्लोबल रैंकिंग है सेवेंटी फर्स्ट इफ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द साउथ एशियन रीजन दैन वी कैन से दैट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिपेयर कंट्री फॉर ई कॉमर्स राइट नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी ऑल नो कि क्या इंपॉर्टेंट है विच कंट्री इज द टॉप रैंक कंट्री के टॉप पे कौन सी कंट्री है या टॉप पोजीशन किसकी है आपको वो पता होना चाहिए राइट सो इफ यू टॉक अबाउट टॉप रैंक कंट्री यू कैन सी दैट इन द हेडिंग एंड यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट पॉइंट दैट स्विट्जरलैंड टॉप द रैंकिंग एंड दिस ईयर स्विट्जरलैंड रिप्लेस विच कंट्री टू बी एट द टॉप नीदरलैंड राइट सो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट द न्यूज इज अबाउट अ रैंकिंग अ ग्लोबल रैंकिंग Which ranking? Global E-Commerce Index 2020. Con Publisher release It is released by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. What is the rank of India in this ranking? India's rank is 71st. Which country is the top ranked country in this ranking? Switzerland has topped the ranking. And Switzerland replaced which country to be at the top. Switzerland replaced Netherlands to be at the top rank in the global e-commerce index 2020 and i hope all the five points are clear now i'm repeating all the points again so that you can retain the information for longer time the si ranking hai global e-commerce index 2020 con publisher release karta hai? unctad united nations conference on trade and development what is the rank of india in this ranking rank of india is 71 which country is the top ranked country in this ranking? Switzerland. And Switzerland replaced which country to be at the top in this ranking? So, Switzerland replaced the Netherlands to be at the top on the ranking called Global E-Commerce Index 2020. And this complete index is on the readiness of the companies to engage in the e-commerce or you can say online commerce. राइट सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर बच्चे माने द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट राइट आई होप दिस इज क्लियर नाउ हाय रागिनी वेरी गुड इवनिंग हाय उमेश हाय तुषार हाय नमन हाउ आर यू चलिए नमन नहीं है चलिए ओके जी आगे बढ़ते हैं सो दिस इज द फर्स्ट रैंकिंग ये आपकी फर्स्ट रैंकिंग थी नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगली न्यूज क्या है वो देखते हैं चलिए सो सेकेंड न्यूज इज अबाउट और फर्स्ट यू नो इंडिया फर्स्ट एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है जब भी न्यूज में इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया लार्जेस्ट इंडिया लॉन्गेस्ट एंड ऑल आ जाता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड क्या है ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल स्पेसिफिकली किस एयरपोर्ट पे बनाया गया है सो कंप्लीटली डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जहाँ से कि मेनली आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर इंटरनेशनल कुरियर्स हैंडल किया जाएगा एंड इट हैज़ बिन लॉन्च एट विच एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु राइट सो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव द डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जहाँ से कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कुरियर्स विल बी हैंडल्ड एक्सक्लूसिवली राइट नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑपरेट कौन करेगा सो इट विल बी ऑपरेटेड बाय एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया सो इस न्यूज में सिर्फ आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है मेन की पॉइंट क्या है इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल इन विथ सिटी बेंगलुरु एट व्हाट एयर एट विच एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अगर कैंपेगौड़ा आपका ऑप्शन में नहीं होगा ऑप्शन में देर कैन बी ऑप्शन लाइक बेंगलुरु एयरपोर्ट सो बेंगलुरु एयरपोर्ट या केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपको याद रखना है फोर्थ पॉइंट ऑपरेटेड बाय हूँ बच्ची इट विल बी ऑपरेटेड बाय एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ India, most important point here is that where is the India's first dedicated express cargo terminal? So it is at Kempegora International Airport in Bangalore and operated by Express Industry Council of India. Okay, I'm repeating all the points again. इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जहां से कि एक्सक्लूसिवली हैंडल होगा दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कुरियर्स राइट एंड इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्या है इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ लॉन्च किया गया है सो इट हैज बीन है केम्पेगाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन बैंगलुरु एंड दिस विल बी ऑपरेटेड बाई एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया गुड इवनिंग इम्पॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज एंड क्या है हमारी अगली न्यूज अगली न्यूज इज अबाउट टी ट्वेंटी इंटरनेशनल रैंकिंग न्यूज किसके रिगार्डिंग है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल रैंकिंग सो अगर हम देखें इंडिया मूव्स टू दी सेकेंड नंबर सो इंडिया की रैंकिंग क्या है इन दी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल रैंकिंग इंडिया इज एट सेकेंड रैंकिंग राइट सो इंडिया क्लाइम टू सेकेंड स्पोर्ट इन दी लेटेस्ट आई सी सी मैंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल टीम रैंकिंग राइट एंड अगर हम बात करें टॉप पोजिशन पर कौन सी कंट्री है बचे एनी आइडिया विच कंट्री इज आट द टॉप इन दी टी ट्वेंटी रैंकिंग Yes. हां जी आपको ऑप्शन बच्चे इसी में दिख जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे ही टॉप प्लेस्ड इंग्लैंड राइट सो अगर हम बात करें टॉप पोजीशन पे कौन है इंग्लैंड इंडिया की रैंक क्या है इसमें इंडिया इज द इंडिया इज एट दी सेकेंड स्पॉर्ट राइट एंड इसी के साथ आपको जो याद रखना है वो ये है दैट किसी इंडियन बैट्समैन की अगर रैंकिंग में कोई मेजर चेंज आता है तो बच्चे वो आपको याद रखने की जरूरत है सो इंडियन बैट्समैन जो के एल राहुल है राइट ही इज प्लास्ड ही इज प्लेस्ड एट दी थर्ड स्पॉर्ट एंड इफ यू टॉक अबाउट विराट कोहली विराट कोहली रिटेन इट्स पोजिशन एट सिक्स रैंक राइट तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है द न्यूज़ इज अबाउट द लेटेस्ट आई सी सी मैंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल टीम रैंकिंग इंडिया की पोजिशन क्या है सेकेंड विच कंट्री इज द टॉप और विच क्रिकेट टीम इज द टॉप इंग्लैंड दो आपको याद रखनी है इंडियन बैट्समैन की रैंकिंग पहली तो विराट कोहली जिन्होंने अपनी प्रीवियस रैंकिंग को रिटेन रखा है सिक्स पोजीशन एंड इंडियन बैट्समैन के राहुल की रैंकिंग जिनकी एक रैंक नीचे आई है दैट इज थर्ड आई होप ऑल द फोर पॉइंट्स आर टी ट्वेंटी रैंकिंग लेटेस्ट आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल टीम रैंकिंग इंडिया पोजिशन सेकेंड टॉप प्लेस्ड क्रिकेट टीम इंग्लैंड विराट कोहली की पोजिशन इन दी टी ट्वेंटी बैटिंग चार्ट इट्स एंड के राहुल की पोजिशन इज थर्ड सो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चे जो रिसेंटली रिलीज हुई है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रैंकिंग आई होप ऑल आर क्लियर जो इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई होप ऑल आर क्लियर सो लेट्स मूव ऑन टू दूव ऑन टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट अगेन द क्रिकेट वर्ल्ड राइट right, सो so क्या न्यूज है उसके बारे में एक बार देखते हैं सो द न्यूज इज अबाउट अ रिकॉर्ड राइट जो कि किसने बनाया है मिथाली राज सो इफ यू टॉक अबाउट द कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन टीम मिथाली राज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर टेन थाउजेंड इंटरनेशनल रन सो फर्स्ट इंडियन वुमेन है एंड ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल सेकेंड वुमेन है टू स्कोर टेन थाउजेंड रन सो so, क्या नेम है आपको नाम याद रखना है मिधारी राज द कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन टीम फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर है टू स्कोर 10000 इंटरनेशनल रन एंड ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें सो सेकंड है जिन्होंने की 10000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं सो अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है सो so, फर्स्ट है इंग्लैंड प्लेयर राइट चार्लेट एडवर्ड्स चार्लेट एडवर्ड्स वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर दउजेंड इंटरनेशनल रन एंड सेकेंड कौन बनी है मिथाली राज जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है टू स्कोर टेन थाउजेंड इंटरनेशनल रन अब इसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए दैट मिथाली राज बिकेम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर टेन थाउजेंड इंटरनेशनल रन इन हर विच ओडीआई और विच मैच तो ये इनका टू हंड्रेड एंड ट्वेल्थ ओडीआई मैच था फॉर इंडिया एंड किसके अगेंस्ट ये मैच खेला जा रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सो ये पांच पॉइंट आपको याद होने चाहिए फर्स्ट द नेम ऑफ द रिकॉर्ड मेकर मिथाली राज ठीक है क्या रिकॉर्ड है रिकॉर्ड है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर टेन थाउजेंड इंटरनेशनल रन एंड सेकेंड पॉइंट क्या है मिथाली राज बिकेम द सेकेंड वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर टेन थाउजेंड रन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है अगर ये है सेकेंड विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड सो फर्स्ट विमेन क्रिकेटर टू स्कोर द टेन थाउजेंड इंटरनेशनल रन वो कौन है सो so उनका नाम है चार्लट एडवर्ड्स राइट एंड इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मिथाली राज ने ये अपने टू हंड्रेड एंड ट्वेल्थ मैच में ओडीआई मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है एंड ये मैच किसके अगेंस्ट था दिस मैच वॉज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका राइट सो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए सो so, मिथाली राज फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर विमेन क्रिकेटर टू स्कोर इंटरनेशनल टेन थाउजेंड रन सेकेंड विमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेन थाउजेंड रन फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर चार्लट एडवर्ड Mithali made this record in two hundred and twelfth ODI match against South Africa. So I had already repeated all those points around four to five times, and I hope now all the points are clear, right? So, buttevachya again, if you think that repeating all these points three to four times will help you in retaining the information for longer time, so you can show your love by liking the video, sharing the video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज पे नाउ दिस न्यूज इज अबाउट एन अपॉइंटमेंट सो अपॉइंटमेंट किस पोस्ट पे हुई है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया सी एस आई राइट किसको अपॉइंट किया गया है जी पी समांता सो जी पी समांता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चीफ स्टैटिशियन ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है जी पे समैंता इंडियन गवर्नमेंट ने यह अपॉइंटमेंट की है एंड इसके साथ आपको सिर्फ ये याद रखना है दैट समैंता का अभी अनाउंसमेंट हुआ है राइट right अभी ऑफिस होल्ड करने में टाइम है सो विल रिप्लेस सोम सो समानता विल रिप्लेस छत्रपति शिवाजी राइट जो कि काफ़ी टाइम से इसको होल्ड करके रखे हुए हैं दी होल्ड हु इज होल्डिंग द पोजिशन ऑफ एडिशनल चार्ज एज द चीफ स्टैटिशन ऑफ इंडिया एंड ही इज होल्डिंग दिस पोजिशन सिंस सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो आपको ये याद रखना है करंटली इफ़ यू टॉक अबाउट सो डॉक्टर समैन्ता इज करंटली वर्किंग एज एन एडवाइजर इन दी आर बी आई डिपार्टमेंट ऑफ स्टार्ट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सो मेन क्या है पोस्ट राइट पोस्ट कौन सी है चीफ स्टैटिस्टिशन ऑफ इंडिया आपको पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट वो याद करना है किसको रिप्लेस किया जाएगा वो नाम याद रखना है करंटली दैट पर्सन currently और अर्लियर दैट पर्सन इज वर्किंग एट वट पोस्ट आपको वो याद रखनी है राइट right? सो so we'll सी क्या है अगर हम देखें कोई अगर डाउट है तो देखते हैं now बच्चे अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट की रहे चीफ स्टैटिस्टिशन ऑफ इंडिया ये पोस्ट बच्चे अगर हम देखें ठीक है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो बच्चे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में सुना होगा राइट right? उसकी जो वर्किंग है उसको मेनली ये हैंडल करेगा ठीक है एंड अगर हम बात करते हैं बच्चे आपका जो करंट स्टैटिस्टिकल यू नो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया जिनको अपॉइंट किया गया है मेनली इनका जो काम होगा वो क्या होगा देखो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर um, एग्जांपल जो सेक्रेटरी है बच्चे इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन राइट right? सो so, बच्चे उनके उनके साथ इनका मेनली काम होगा एंड समयता जो है बच्चे ही हम कह सकते हैं राइट दैट समांता विल होल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसमें उनका टर्म होगा ऑफ अराउंड टू इयर्स तो बच्चे इनका मेन काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो वर्किंग है उसको कंप्लीटली उसका देख करना ठीक है जी एंड इसके लिए ये yes, बच्चे वैसे कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है बट इकोनॉमिक बैकग्राउंड का होना माना जाता है कि जरूरी है ठीक है चलिए आगे बढ़े ओके बच्चे दैट इज एन इम्पोर्टेंट पोस्ट बेटा दैट इज इम्पोर्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन चलिए सो इसमें क्या क्या याद करना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नेम इजीपी किसको रिप्लेस करेंगे छत्रपति शिवाजी एंड अभी वो किस पोस्ट पे है अभी वो पोस्ट पे एडवाइजर ऑफ आर बी आई डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट राइट सो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद होने चाहिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हाँ जी नाउ नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसके साथ मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूंगी न्यूज़ एज इन कुछ नहीं है काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में है जो कि आपको बच्चे मैं अपनी तरफ से एक आप कह सकते हो टास्क दे रही हूँ जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है थोड़ा सा पढ़ के आना है एंड वो है आपका बच्चे वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेके जितने भी पॉइंट्स चल रहे हैं वेस्ट बंगाल असम जो इलेक्शन है बच्चे उसको लेके जो भी इशू चल रहा है जो भी आपका है आप वो एक बार जरूर देखोगे ठीक है आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पढ़ के आओगे सो नाउ क्या इसके साथ बच्चे हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट कर सकते हैं कैन वी स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड एंड इसमें आई विल इंक्लूड द करेंट अफेयर ऑफ लास्ट वन और टू मंथ्स राइट बिकॉज आई वॉन्ट मैंने आपको पहले भी बोला था दैट आफ्टर एवरी फोर फाइव सेशंस उंड we'll जिसमें कि आपके बहुत सारे करंट uh, अफेयर्स हम एक साथ रिवाइज कर सकें मेंटी में तो वी कैंड रिवाइज ओनली यू नो फोर टू फाइव क्वेश्चन बट विल हैव मोर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन इफ यू डू दी रैपिड फायर राउंड सो वी डू मेंटी क्विज इन आर एवरी सेशन बट आफ्टर फोर टू फाइव सेशन जब भी मुझे लगेगा दैट वी नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर करेंट अफेयर इज द डे वैन डू द रैपिड फायर राउंडन स्टार्ट द रैपिड फायर सेशन कैन वी स्टार्ट द रैपिड फायर सेशन चलिए सो क्विकली टेल मी द्वेश्चन दैट हुजीन अनाउंसड पर्सन ऑफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी Who has been announced as the person of the year 2020 by Time magazine? Yes, tell me the answer quickly. Very good, Ansh. Correct answer, Joy Biden and Kamala Harris. Very good. Correct answer, kya hai, Joy Biden and Kamala Harris. Next question, quickly tell me the name of the leader of the opposition in Rajya Sabha. Leader of the opposition in Rajya Sabha. अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद टेल मी द नेम ये मल्लिकार्जुन खारगे वेरी गुडाकाश वेरी गुड करेक्ट आंसर मल्लिकार्जुन खारगे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा Yes, there is no one at the post of the leader of opposition in Lok Sabha, right? Nahi bache, Adi Ranjan nahi hai, the seat is vacant, jaisa ki Anisha ne kaha, jaisa ki Anisha ne kaha, right? Okay, tell me who has been appointed as the chairman of State Bank of India? Who has been appointed as the chairman of State Bank of India? ओके नाउ टेल मी ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस नाउ टेल मी द नेम ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन ये जरूर याद होना चाहिए आपको येस गुणेश कुमार कारा वॉज इज दी चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन एक इंडियन को अपॉइंट किया गया है मैं हिंट भी दे रही हूँ इंडियन को अपॉइंट किया गया है इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया गया है येस क्या है आंसर लिजिया नौराना वेरी गुड सही आंसर दिया है कविता वेरी गुड वेरी गुड आकाश नॉट तिरुमूर्ति बच्चे वो आपका बच्चे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है बच्चे फॉर यूनाइटेड नेशन मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंडियन को अपॉइंट किया गया है लिजिया नोराना ओके नाउ टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वुमेन चीफ और हेड और डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दट टू फ्रॉम नाइजीरिया जो कि नाइजीरिया से है इंट भी दे दिया ये गाजी ओ कॉन्सोला वेरी गुड ग्वजियो कॉन्सोला वेरी गुड नाइजीरिया क्या है आंसर नाइजीरिया वेरी गुड ओके चलिए मुझे ये बताओ बेटा इफ यू टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट अंडर सी टन इंडिया की पहली टनल बिल्ट इन सिटी ऑफ इंडिया अपूर्व नॉट फाइनेंस मिनिस्टर बट यू कैन से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया राइट इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विथ सिटी इनफैक्ट इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुकी है ये करेक्ट आंसर इज मुंबई वेरी गुड क्या है मुंबई ओके ना मुझे ये बताओ सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम यस अपूर विल बी कंप्लीटेड बाय ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वेरी गुड चलिए विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम होशंगाबाद वेरी गुड कविता करेक्ट आंसर वेरी गुड बचे अपर वेरी गुड ओके यस बचा होशंगाबाद इज द आंसर नाउ फ्यू मोर क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं नाउ टेल मी द नेम ऑफ दी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑप्ट फॉर पेपरलेस बजट टू ऑप्ट फॉर पेपरलेस बजट टू ऑप्ट फॉर पेपरलेस बजट नहीं नहीं बच्चे नॉट उत्तराखंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश यस नॉट उत्तराखंड करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश चलिए आप मुझे ये बताइए व्हाट इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राइड व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राइड वर्ल्ड्स टॉलेस स्विंग राइड हम ये बच्चे अपने लाइव सेशंस में इस क्वेश्चन कवर कर चुके हैं World's tallest swing ride, Bollywood Sky Flyer. Very good. Kya answer hai? Bollywood ride or Bollywood Sky Flyer. It has been launched in. It has been launched in. Anji, quickly tell me the answer. It has been launched in Dubai. Very good. And it has it has broke the record of. It has broke the record or or you can say it has replaced which ride as the world tallest swing ride? लैंडो स्टार फ्लायर वेरी गुड ऑर्लैंडो स्टार फ्लायर इन यूएस ओके वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली टेल मी इफ यू टॉक अबाउट लेट्स द फेमस बुक बाय दलाई लामा वॉट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय द लाई लामा द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट क्या आंसर है द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट क्या आंसर है लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट राइट चलिए लास्ट एंड ईजी सा क्वेश्चन पूछती हूँ हिंदी बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड ऑफ द इयर बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज विच वर्ड हैज डिक्लेयर हिंदी वर्ड ऑफ दर बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज वेरी गुड साक्षी वेरी गुड आयशा वेरी गुड अश्मिता क्या आंसर है आत्मनिर्भरता वेरी गुड सो so, बच्चे इसी के साथ हमने काफी सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए नेक्स्ट क्लास में विल डू मेंटी एंड वो मैंटी क्विज आपका होगा ऑफ लास्ट टू सेशंस राइट सो देर विल बी मोर देन फाइव क्वेश्चन देर विल बी अराउंड टेन क्वेश्चन और मे बी फिफ्टीन या अभी तक ऐसा करते हैं फिफ्टीन मार्च हो गई है बच्चा आई इंक्लूड इन्क्लूड द्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू फिफ्टीन मार्च इन दी नेक्स्ट मेंटी क्विज ठीक है आई एल इंक्लूड द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्टींथ मार्च इन द नेक्स्ट मेटिक्वेस्ट तो ये बचे आज के लिए इतना ही काफी था आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने आज कवर किए इन द न्यूज़ एंड जो भी क्वेश्चन हमने रिवाइज किया ऑल आर क्लियर राइट सो अगर आपको लगता है दैट दीज से आर हेल्पफुल फो यू फॉर रिवाइजिंग ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दी अपकमिंग वीडियोज सो बाई एवरी वन बाय टेक केयर स्टेज सेफ स्टेज हेल्दी And thank you for attending the session. Thank you so much.